नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल सनी फ्यूदा पर। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं मेरे चैनल पर आप लोगों को एक्स सर्विसमैन से संबंधित वेलफेयर वीडियो, एक्स सर्विसमैन और सर्विसमैन से संबंधित रोजगार वीडियो व अन्य इस प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो देखने को मिलते रहते हैं। तो साथियों, अगर आप भी एक्स सर्विसमैन हैं और आपने SSC MTS का एग्जाम दिया है तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि साथियों आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि SSC MTS का रिजल्ट आ गया है और उसकी मार्क्सिट लिस्ट भी आ गई है, आपके कितने नंबर हैं सब पूरा कुछ आ गया है। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं सेकंड एग्जाम दूं टायर 2 का एग्जाम, तो उसमें आपको टायर 2 का एग्जाम देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, अगर आप टायर 2 का एग्जाम दे देते हैं कि आपका फाइनल मेरिट में नंबर आ जाएगा, तो इन सभी बातों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। साथियों, हमारा जैसे होता है टायर 1 का एग्जाम जो होता है SSC MTS का, तो सिर्फ उसी के नंबर हमारे मेरिट लिस्ट में लगाए जाते हैं, उसमें जोड़े जाते हैं, उसी के आधार पर हमारी मेरिट लिस्ट बनाई जाती है। और उसके बाद हमारा जो टायर 2 का जो सेकंड एग्जाम इसका होता है, जो टायर 2 का होता है, तो सिर्फ वो डिस्क्रिप्टिव टाइप होता है, उसको सिर्फ हमें क्वालिफाई करना होता है, उसके नंबर हमारे मेरिट में नहीं जोड़े जाते हैं। और साथ ही उस एग्जाम में हमारे से एक एप्लीकेशन या कोई लेटर लिखवाया जाता है, और उसमें भी सिर्फ आपको क्वालिफाई मार्क्स के लिए बताया जाता है, आपको कितने नंबर पर क्वालिफाई करना है, सर्विसमैन को कितने नंबर पर क्वालिफाई करना है, और जनरल को कितने नंबर पर करना है, SC ST को कितने नंबर पर करना है, उन सभी के बारे में उसमें दिया होता है। और साथियों, अगर आप सेकंड एग्जाम दे रहे हैं, आपके नंबर बहुत ही कम है, आप बॉर्डर लाइन पर हैं बिल्कुल ही, तो आपको इसमें देने में क्या फायदा है, क्या नुकसान है, इन सभी के बारे में आपको आगे चलकर बताऊंगा। और साथियों, इसका जो टायर 2 के बाद हमारी सेकंड मेरिट बनती है, सेकंड मेरिट के बाद में हमारी थर्ड मेरिट बनाई जाती है, सेकंड मेरिट के बाद में हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए हमें बुलाया जाता है, और टायर 3 तीसरी हमारी जो थर्ड इसमें हमारी मेरिट लिस्ट बनाई जाती है, जो फाइनल उसके लिए बनाई जाती है हमारे। तो साथियों, जो हमारी फर्स्ट मेरिट बनती है उसमें हमें वैकेंसियों का 10 गुना कैंडिडेट को बुलाए जाते हैं। उसके बाद में जो हमारी सेकंड मेरिट लिस्ट बनती है उसमें वैकेंसी का हमें 2.5 गुना लोगों को बुलाया जाता है, और हमारी फाइनल जो होती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में, उसके बाद हमारी फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जाती है। तो साथियों, अगर आप अलग अलग जोन से फॉर्म भरा है आपने और अलग अलग स्टेट सेलेक्ट किए हैं, अगर आपने सभी स्टेट सेलेक्ट किए हैं इसमें, तो आपके चांस बहुत ज्यादा हो जाते हैं इसमें आपका नंबर आने के। लेकिन आपने अगर 3-4 स्टेट सेलेक्ट किए हैं, 2 स्टेट सेलेक्ट किए हैं, तो उसमें आपके चांस थोड़े से कम हो जाते हैं, क्योंकि साथियों जितने स्टेट हम ज्यादा सेलेक्ट करते हैं उतना ही हमारा नंबर आने के चांस ज्यादा होते हैं, क्योंकि जिस स्टेट की मेरिट सबसे कम सबसे डाउन लगती है, इसमें सबसे नीचे जिस स्टेट की मेरिट जाएगी तो उसमें हमारा नंबर आ जाएगा। और अगर हमने सारे स्टेट लगाए नहीं होंगे, जिस स्टेट में सबसे कम मेरिट होती है हमने वही सेलेक्ट नहीं किया है, तो इसमें हमारा नंबर आने के चांस बहुत कम होते हैं। और मैं उदाहरण के तौर पर बता देता हूँ, अगर हमने उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर दिया और दिल्ली सेलेक्ट कर दिया और हरियाणा सेलेक्ट कर दिया है, और हमारे उत्तर प्रदेश में मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ 60 पे मेरिट गई है, और दिल्ली में 61 पे गई है, और हरियाणा में हमारी 58 पे गई है, तो इसमें अगर हमने सबसे कम वाले 58 वाले में हमारा नंबर आएगा, हमारे 58 के पास आसपास नंबर है, और 58 के आसपास हमारे नंबर है, तो फाइनल मेरिट में 100% कम से कम आपके 15-20 नंबर बढ़ने की संभावना होती है। और हमारे बॉर्डर लाइन पे हम एग्जाम देना चाहते हैं, तो हम अपने समय और अपने पैसे की दोनों की बर्बादी करते हैं। अगर आप बॉर्डर लाइन पे हैं तो इसका एग्जाम हमें नहीं देना चाहिए। और मैं आपको बताऊंगा 2018-19 के बेस पे कि आपकी मेरिट कितनी रही थी और कितने पे आपने एग्जाम दिया था, क्योंकि साथियों मैंने भी इसका एग्जाम दिया है और मेरे कितने नंबर थे भी आपको बताऊंगा, और मैं कितने नंबर से इसमें रह गया था और मैंने कितने स्टेट सेलेक्ट किए थे, आप पूरा अनुभव मैं आपको इसमें बताऊंगा। तो चलिए, मैं आपको 2018-19 पर लेकर चलता हूँ, क्या रहा था वहाँ की मेरिट देखिए। तो साथियों, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा 2018 में कितनी वैकेंसी थी हमारी, और उसके बाद 2019 में कितनी वैकेंसी थी, इसके हिसाब से मैं आपको समझाऊंगा। तो साथियों देखिए, हमारी 2018 में जो वैकेंसी थी वह 10,000 प्लस थी। अब हम देखेंगे 2019 में कितनी वैकेंसी है, और साथियों इसमें वैकेंसी भी अलग अलग एज वाइज होती हैं, जैसे 18 से 25 होती है और 25 से 27 एज की होती हैं, लेकिन मैं कुल मिलाकर आपको बता रहा हूँ, टोटल मिला के 10,000 प्लस थी 2018 में, अब 2019 में। और साथियों 2020-21 में जो हमारी वैकेंसी हैं 9,018 हैं,
और अभी मैं आपको बताऊंगा 2018 या हमारी 2020 के हिसाब से कितनी वैकेंसी थी और उसमें क्या मेरिट रही है हमारी, क्या कट ऑफ रही है, 2021-22 में क्या रहने वाली है। तो देखिए अभी मैं आपको कट ऑफ दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ 2019 का जो फाइनल रिजल्ट था, इसमें एक्स-सर्विसमैन की किस किस स्टेट में कितनी कितनी कट ऑफ रही थी। ये 18 से 25 ईयर्स के लिए और 18 से 27 ईयर्स के लिए, सभी के लिए मैं आपको दिखाऊंगा। जैसे कि वैकेंसी दी गई है, वैकेंसी तो मैंने आपको पहले बताई थी कहाँ पर कितनी वैकेंसी थी। और जो 2019 के वनस्पत में इस बार वैकेंसी भी 1000 के लगभग समथिंग कम है, तो पिछले साल से 4-5 नंबर हमारी मेरिट ज़्यादा ही जाने वाली, इससे कम नहीं रहेगी। तो ये देखिए दोस्तों अभी मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि बिहार में है, बिहार में एक्स-सर्विसमैन की गई थी 66 पे पिछली बार में, तो इस बार मैं आपको बताता हूँ बिहार के अंदर एक्स-सर्विसमैन की 70 से कम नहीं जाएगी, 70 के ऊपर ही ऊपर जाएगी। और उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, तभी मैं आपको उत्तर प्रदेश की बताता हूँ, एक्स-सर्विसमैन की 60 पे गई थी यहाँ पे, तो इस बार कम से कम 62 पे जाने वाली है उत्तर प्रदेश की। सब में 2 से 5 नंबर प्लस आप करके अपने आप देख सकते हैं। यहाँ पर झारखंड में देखिए 71 गई थी पहली बार में, तो इस बार 74-75 के समथिंग आपकी जाएगी एक्स-सर्विसमैन की। इसके बाद उड़ीसा में मैं आपको बता देता हूँ, इसमें आपकी 69 गई थी, तो कम से कम 73 आपकी इस बार 73 से कम किसी की नहीं जाएगी। वेस्ट बंगाल की बात करते हैं, तो साथियों वेस्ट बंगाल में देखिए एक्स-सर्विसमैन की 64 है, वेस्ट बंगाल में सॉरी साथियों एक्स-सर्विसमैन की 57 है, 57 तो इस बार 62 से कम नहीं जाएगी। और अभी मैं बताता हूँ आपकी वेस्ट बंगाल की, मैंने आपको बता दिया अंडमान निकोबार की बताता हूँ, इसमें आपकी 84 थी एक्स-सर्विसमैन की, सॉरी एक्स-सर्विसमैन की साथियों से 50 थी, इस 50.44 तो इस बार 53 जाएगी कम से कम, 1-2 नंबर प्लस माइनस इसमें हो सकता है। कर्नाटक की बात करते हैं साथियों, तो कर्नाटक में एक्स-सर्विसमैन की 56 थी, इस बार 60 से कम नहीं जाएगी आपकी। और केरला की बात करते हैं दोस्तों, पिछली बार 69 थी, इस बार 74 से कम नहीं जाएगी। अगला साथियों छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ में पिछली बार का मैं आपको बताता हूँ, पिछली बार 63 थी, आपको 66 से कम नहीं जाएगी। मध्य प्रदेश की बात करते हैं, तो 85 है दोस्तों, इस बार में जो जाएगी 86 से कम नहीं जाएगी। और अभी आसाम की बात करते हैं एक्स-सर्विसमैन की, तो इसमें 53 थी, यहाँ पे 56 से कम नहीं जाएगी इस बार में 2021-22 में। मेघालय में जो 49 थी, इस बार में 53 से कम नहीं जाएगी। अभी बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली में 51 थी, इस बार 55 से कम आपकी कट ऑफ नहीं जाएगी। राजस्थान की बात करें साथियों, तो इसमें 58 थी, तो इस बार 62 से कम नहीं जाएगी। उत्तराखंड की बात करें आपकी, तो उत्तराखंड में आपकी 58 थी, 64 से कम नहीं आपके रहेगी यहाँ पे। चंडीगढ़ की बात करते हैं दोस्तों, 71 थी, इस बार 75 से कम नहीं रहेगी। जम्मू एंड कश्मीर की बात करें साथियों, तो इसमें 66 थी, ये 70 से कम नहीं रहेगी यहाँ पे। हरियाणा की बात करें तो इसमें 89 थी साथियों, तो यहाँ पे 93 से कम आपकी नहीं रहेगी। हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं साथियों, तो यहाँ 60 थी, तो इस पर 64 से कम आपकी नहीं रहेगी इस बार। पंजाब की बात करें साथियों, तो पंजाब में आपकी पहली बार में एक्स-सर्विसमैन की 59 थी, इस बार आपकी 63-64 के समथिंग रहेगी। तेलंगाना के लिए मैं आपको बताऊँ, एक्स-सर्विसमैन की 48 थी, 52 थी, इस बार 55 से कम नहीं रहेगी। तो इसी तरह से अगले स्टेट की बात कर जाते हैं, गुजरात में आपकी एक्स-सर्विसमैन की 54 थी, तो 57 से कम नहीं रहेगी। महाराष्ट्र की बात करते हैं साथियों, एक्स-सर्विसमैन की, तो इसमें 47 थी साथियों, सबसे कम जॉब की कट ऑफ थी वो महाराष्ट्र में थी। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि किसी भी एक्स-सर्विसमैन के
भाई भाई के नंबर जो भी आपके हैं और नॉर्मलाइजेशन को लगा कर नॉर्मलाइजेशन सहित आपके अगर 45 से कम है तो वो टेस्ट देने के लिए ना जाए, क्योंकि साथियों और आपने सारे स्टेट सेलेक्ट किए हैं तब आप 47 से कम एग्ज़ाम देने के लिए ना जाए, क्योंकि अगर आप जाते हैं तो आप अपने समय और पैसे दोनों की बर्बादी करते हैं। तो इसलिए मैं आपको यही सलाह दूंगा, आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी करें, क्योंकि आपके इतने कम नंबर हैं तो आपको जाने में कोई फ़ायदा इसमें नहीं होगा। आगे मैं आपको बता देता हूँ, महाराष्ट्र में एक्स सर्विसमैन की कोई वैकेंसी नहीं थी साथियों इस बार। अब मैं आपको बताता हूँ 18 से 27 ईयर्स वालों के लिए बताता हूँ। बिहार में 65 थी, उसमें भी आप प्लस 3-4 कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें साथियों, इसमें 58 थी, तो इसमें भी आप प्लस 3-4 कर सकते हैं। दोस्तों उड़ीसा की बात करें दोस्तों, यहाँ 55 थी, यहाँ भी प्लस 4-5 कर सकते हैं, 70 के समथिंग आपका रहेगा एक सर्विसमैन का। और वेस्ट बंगाल की जो है आपके एक सर्विसमैन की 56 थी, यह भी आपका 4 के समथिंग प्लस आप कर सकते हैं, 60 के आसपास रहेगा। कर्नाटक की आपकी जो सर्विसमैन की बात करते हैं 55 थी, यहाँ आपका 60 के आसपास रहेगा। और केरला की बात करते हैं साथियों आपकी, तो केरला में आपकी 69 थी, यहाँ 73 के आसपास आपका रहेगा। छत्तीसगढ़ की बात करते हैं दोस्तों एक सर्विसमैन की, तो छत्तीसगढ़ में आपकी 55 थी और दोस्तों इसमें आपका 59 या 60 के आसपास रहेगा। मध्य प्रदेश की बात करें साथियों एक सर्विसमैन की, तो मध्य प्रदेश में कोई वैकेंसी नहीं थी। और साथियों अभी आसाम की बात करते हैं एक सर्विसमैन की, तो यहाँ पे 59 थी, तो यहाँ पे आपकी 54 के आसपास आपकी रहेगी। मेघालय की बात करें दोस्तों एक सर्विसमैन की, यहाँ पे 49 थी, यहाँ पे आपकी 53 के आसपास रहेगी। दिल्ली की बात करें दोस्तों, तो यहाँ 49 थी। और कुल मिला के साथियों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, एज 18 से 27 में 2-3 नंबर आपकी मेरिट ज़्यादा रहेगी 18 से 25 के बनस्पत एक सर्विसमैन की। राजस्थान में आपकी 58 थी, तो 3-4 नंबर प्लस कर सकते हैं। उत्तराखंड में 57 थी, इसमें 3-4 नंबर प्लस करते हैं, 61 के समथिंग आपकी रहने वाली है एक सर्विसमैन की। 62 थी जम्मू एंड कश्मीर में, तो 65 के समथिंग आपकी रहने वाली है। हरियाणा में बात करते हैं, यहाँ 72 थी, 75 के आसपास आपकी रहने वाली है। हिमाचल प्रदेश की बात करें 52 थी, तो 55 के आसपास आपकी रहने वाली है। पुदुचेरी की बात करें साथियों 55 थी, यहाँ तो 60 के समथिंग आपकी इस साल रहने वाली है। गुजरात की बात करें साथियों एक सर्विसमैन की 54 थी, तो 58 के समथिंग आपकी इस साल रहने वाली है। और महाराष्ट्र की बात करते हैं साथियों 47 है 18 से 27 साल में, तो यहाँ इस बार 50 से कम नहीं रहने वाली है। गोवा की बात करें तो 61 थी, 65 के समथिंग रहने वाली है। तो साथियों जैसे मैं पहले 18 से 25 में भी बता सकूँ और 18 से 27 में बता रहा हूँ, जिस भी हमारे एक सर्विसमैन भाई के मार्क्स 40 नंबर से कम है नॉर्मलाइजेशन सहित, तो वो एग्ज़ाम देने के लिए ना जाए, क्योंकि साथियों अगर वो जाते हैं तो अपने पैसे और समय दोनों की बर्बादी करेंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी करें। तो साथियों ये तो थी मेरे द्वारा दी गई जानकारी, आपको जानकारी कैसी लगी? अगर जानकारी अच्छी लगी है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। Thank you.